मध्य प्रदेश के जबलपुर में मजदूरों को पैसा मांगने पर जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है, जहां गरीब मजदूरों ने कलेक्टर पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई। गरीब मजदूरों ने मायूस होते हुए कहा, गरीब है सर, सोचा था कि रेलवे के ब्रिज में काम करके कुछ गरीबी कम कर लेंगे, काम पूरी मेहनत से किया, बच्चे भी काम में जुटे थे, गर्भवती पत्नी भी सिर में थसला रखकर काम कर रही थी। ठेकेदार संतोष यादव द्वारा कहा गया था कि 15 दिन काम करने में मजदूरी का पैसा मिल जाएगा, लेकिन 2 माह बीत गए, फूटी कौड़ी नहीं मिली। आप ठेकेदार से मजदूरी का पैसा मांगते हैं तो वह जान से मारने की धमकी देता है, कोई मदद करे हमारी। यह फरियाद थी उन 55 मजदूरों की जिन्होंने सिहोरा के घाट सिमारिया में बन रहे रेलवे ब्रिज में काम किया, लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिला। माथे में मायूसी और चेहरे में डर लेकर कलेक्टरेट पहुंचे मजदूरों ने बताया कि भगवान ने दोहरी मार दी है, एक तो पहले से गरीबी का दंश झेल रहे हैं, ऊपर से काम करने के बाद भी मजदूरी नहीं मिल रही है। 2 माह तक काम किया मजदूरी के नाम पर सिर्फ संतोष यादव, ठेकेदार आश्वासन दिया गया है। मजदूर शिकायतकर्ता ने बताया कि पत्नी के पेट में 9 माह का गर्भ पल रहा है, उसे भर्ती कराने के लिए पैसा नहीं है। संतोष यादव ठेकेदार से मिलने पहुंचे तो उसने दुत्कार भगा दिया है। कलेक्टर से शिकायत करने आए तो यहां कोई अधिकारी नहीं मिला। अन्य मजदूरों का कहना था कि ऐसा लग रहा है कि सभी आत्महत्या कर ले, क्योंकि घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। आज तक यहां पे बैठे हुए हैं, हमारा समाधान निकला, कोई अधिकारी मिलने आया आपसे? नहीं, हमसे कोई अधिकारी मिलने नहीं आया है। हम लोग कल से अब बैठे हैं और शुरू में तहसीलदार साहब आए, वो भी हमसे कागज ले गए, कहें आपका निराकरण जल्दी हो जाएगा, आज की बोले थे, आज भी कुछ नहीं। कलेक्टर साहब भी को हमने कागज दिए, अभी तक कोई उसका निराकरण हमको नहीं है। 11 बजे तक ठेकेदार ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? हाँ, ठेकेदार ने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, वो कहा कि नहीं, हम यहाँ नहीं आ सकते हैं, वो भी बता रहा इस तरह का ठेकेदार भी। कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया? कोई अधिकारी हमारे पास नहीं आया, न हमारी कोई खबर लिया। सर हम लोग संतोष यादव ने हम लोग काम के लिए बोला कि तुम लोग काम क्या करते हो, तो हमने बोले मजदूरी का काम करते हैं, बोले कि रेलवे में काम करोगे, हमने कहे कि हाँ करेंगे। हमको संतोष यादव सेहुरा का रहने वाला है ठेकेदार, वो काम में हमको लगा लिया, काम में कराते रह गया, बोला कि आज दे दूंगा पैसे, कल दे दूंगा। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, बच्चे लोग हम भूखे मर रहे हैं और उसमें पैसे मांगते हैं, तो हमारे माँ बहनों को अनाप शनाप बोला जाता है, और हमारी कष्ट है कि प्रार्थना है कि हमारी मजदूरी दिलवाया जाए। सर कितने मजदूर हैं आप लोग? हम लोग 50-55 आदमी मजदूर आदमी काम किए सर, और कुछ लोग वहीं से भाग गए घर, बोले कि ऐसे भूखे में क्या करेंगे। हमने बोले कि हम तो जाएंगे भाई, जहाँ मिलेगा जहाँ से पैसे लेंगे। बच्चों से भी काम करते? बच्चे से छोटे छोटे बच्चों को हमारे 30-30 गाला, 15-15 गाला बच्चों को गिन के देते थे, अगर बोले कि नहीं भर पाओगे आपको मजदूरी नहीं देंगे, मगर बच्चे लोग भी पूरा दिन लगे रहते थे, उनसे भी काम करवा के फिर हमसे उनसे 5,58,000 5,84,000 रुपये लेना है सर जी, शेष राशि हमारी इतनी है। नाम बता दो। हमारा नाम है नरेंद्र लोनी।